तो गाइस आज की अपनी राइड है ये, बहुत कम दिखी है आज तक ये मेरे ब्लॉग्स में कह लो या फिर मैं चलाता भी बहुत कम हूँ इसको। तो ये गाड़ी जिनको नहीं पता तो ये है एक्टिवा 2G, मतलब सेकंड जनरेशन नहीं है, उसके बाद में से 3G 4G 5G अब तो 6G भी आ चुके हैं और शायद 7G भी आ चुके हैं। तो हाँ 7G भी आ चुके हैं जिसमें रिमोट वाला सिस्टम रहता है, जैसे जो बटन रहता है, बटन नहीं क्या रहता है वो सेंसर रहता है उसमें, सेंसर सिस्टम है उसमें। और ये अपनी बहुत इसको हो चुके हैं, ये जो गाड़ी है ये चल चुकी है पहले तो ये देख लो चल चुकी है सिर्फ 15,000 किलोमीटर, 15,686 किलोमीटर, 15,686 किलोमीटर चल चुके हैं ये, ज़्यादा बिल्कुल नहीं चली है क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि हम ये गाड़ी मम्मी की है कब मम्मी ने कब ली थी 2014 में, 2014 के ओ सॉरी स्किट भी मारती है 2014 के जनवरी में ली थी और इस क्या कहते हैं इस जनवरी को मतलब अभी कुछ 3-4 महीने में इस गाड़ी को पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सॉरी मैं थोड़ी गलत जगह पे रुक गया हूँ, यहाँ पे कचरा कुचरा पड़ा है लेकिन माइंड तो तुम करोगे नहीं। ये थैलिया कुछ अति आवश्यक कामों के लिए, ये मेरे भाई का नाम, ये जो है अनु लिखना था लेकिन उसने अन्नु लिख दिया, उसके पास गाड़ी छोड़ी थी तो ठीक है ना, अपने को 1 लीटर एक्स्ट्रा ही मिला है तो छोड़ो, उस 1 लीटर के लिए पैसे भी उतने दिए थे। तो ये लास्ट टाइम ठुकी थी मतलब मेरे बड़े पापा ने ठोकी इसको, पापा और बड़े पापा आगे पीछे चल रहे थे, पापा बड़े पापा को रास्ता पता नहीं था जहाँ पे अपने घर का, मतलब किसी और गली से जा रहे थे वो, तो बड़े पापा ने मतलब पापा टर्न होने के लिए स्लो कर दी, बड़े पापा ने पीछे से आके घुसा दी। तो ये वाला जो मडगार्ड होता है ना, ये वाला और ये यहाँ से वो ठुक गई है सिर्फ, और एक बार भाई लेके गिरा था तो उसने ये तोड़ दिया यहाँ का, दिख रहा है ये बस इतना, और तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी नहीं, अब भी रुक जा एक यहाँ, और तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें, अभी भी शाइन बरकरार आ रहा है, देखो अभी भी फ्लैश मार रही है वो, मैं थोड़ी सी ये कम कर दूँ, हाँ सही चल रही है, और चलने में भी बहुत मस्त है और भागने में तो ओ क्या ही बोले, करके दिखाओ एक टेस्ट करके दिखाओ, 0 to 60 करेंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, 0 to 60 ही देखते हैं, ऐसा स्लोप है अभी तो। चलो ये कर ली स्टार्ट, तो चलो अभी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे स्लो कर लेते हैं, ठीक है एकदम 0 पे आइडल पे काउंटडाउन आ जाएगा बाजू में, देख लेना। हो गई 60 हो गई कंप्लीट। तो ये कुछ इसके फीचर्स है, सट भागती है ये, मज़ा आता है इसको चलाने में, और टॉप स्पीड ये 90-100 तक जाती है, 100 तक भी जाती है अभी भी, 100 नहीं 90 तक तो पकड़ लो, 100 ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो ये कुछ था बस आज का वीडियो, और प्लान चल रहा है इसको बेचने का, लेकिन इसके जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के चलते हम इसको सोच रहे कि ना ही बेचें, तो ऐसी गाड़ी बाद में मिलेगी नहीं क्योंकि इसकी जो प्राइस जो कि हमने 45 से 50 के बीच में रखा है, 50,000 में ऐसी गाड़ी कहाँ मिलेगी, अभी मिल तो जाएगी, ये मिल रही है ना तो मिल भी जाएगी लेकिन ढूंढनी पड़ेगी, सोच रहा छोड़ दें मतलब रहने दें ना बेचे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा बता दूंगा मैं, आज ये लेके निकला हूँ मैं ऐसे ही घूमने के लिए। चलो कर देते इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर सब कुछ सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना। चलो कर देते इस व्लॉग को यही एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।